आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। शाम 4:30 बजे विधानसौधा बिल्डिंग के आगे होगा शपथ ग्रहण समारोह, गवर्नर वजूभाई वाला दिलाएंगे शपथ। आज सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम लेंगे शपथ, बाकी के 32 मंत्री फ्लोर टेस्ट के बाद लेंगे शपथ। कांग्रेस कोटे से 22 और जेडीएस कोटे से 12 विधायक बनेंगे मंत्री। 24 मई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे कुमारस्वामी, हालांकि गवर्नर ने दिया है 15 दिन का वक्त। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष जी परमेश्वर बनेंगे डिप्टी सीएम, सूबे के कांग्रेस प्रभारी सी वेणुगोपाल ने पुष्टि की। फॉर्मूले के तहत कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर होंगे कांग्रेस के आर रमेश कुमार, डिप्टी स्पीकर का पद जेडीएस को मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह के बहाने विपक्ष करेगा शक्ति प्रदर्शन, राहुल, ममता, अखिलेश और मायावती समेत गैर बीजेपी दलों के सीएम भी पहुंचेंगे। कुमारस्वामी ने कहा बीजेपी छोड़ हर पार्टी के नेताओं को शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया, देश भर से आएंगे लोग। एचडी कुमारस्वामी के घर के बाहर सुबह से ही उमड़े समर्थक, गाजे बाजे के साथ दिखा रंगारंग नजारा। कर्नाटक के प्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ पहुंचे कुमारस्वामी, मंजुनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन। कुमारस्वामी को बधाई देने बेंगलुरु पहुंचे तेलंगाना के सीएम केसीआर, हैदराबाद में अहम मीटिंग की वजह से शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाएंगे। डीएम के नेता स्टालिन भी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में नहीं हो पाएंगे शामिल, तूतीकोरण में पुलिस झड़प में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जाएंगे। अशोक चव्हाण ने कर्नाटक में एक मंच पर विपक्ष के एकजुट होने को सही ठहराया, कहा 2019 का चुनाव बीजेपी वर्सेस बाकी पार्टी होगा। बीजेपी आज कर्नाटक में मनाएगी काला दिवस, कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को जनादेश के खिलाफ बताया, गांधी मूर्ति के आगे प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे येदियुरप्पा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा विपक्ष के एकजुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2019 में मिलेगी ज्यादा बड़ी जीत। कर्नाटक के विजयपुर में वीवीपैट मशीन मिलने पर येदियुरप्पा ने मुख्य चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फिर की फायरिंग, सांबा के रामगढ़ और जम्मू के अरनिया और अरसपुरा सेक्टर में रात से रुक रुक कर फायरिंग, हीरानगर में भी एक की मौत। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 और नागरिक जख्मी, कल से अब तक 16 नागरिक जख्मी, 3 की हालत गंभीर। भारत ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया, अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान के वॉच टावर को उड़ाया। खास तरह की थर्मल ड्रेस पहनकर बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी जवान, HHTI कैमरे की पकड़ से बचने की कोशिश। राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन में किया बड़ा बदलाव, रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, जितेंद्र वाघेला और विश्व रंजन गुजरात के सचिव बने। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार कमेटी के होंगे हेड। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने स्थानीय चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को धमकी मिलने का आरोप लगाया, दूसरे राज्य में भाग रहे हैं कार्यकर्ता। बंगाल हिंसा पर NHRC के सवाल उठाने पर बोले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, 1 घंटे तक हाथ पर हाथ धरे खड़ी थी पुलिस, ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कैराना उपचुनाव का प्रचार करने पहुंचे योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला, कहा मुजफ्फरनगर दंगों के खून से रंगे हैं अखिलेश के हाथ। कैराना लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज, RLD ने जिन्ना नहीं गन्ना का दिया नारा। आज महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे सीएम योगी, विरार में रैली को संबोधित करेंगे। शिवसेना ने भी पालघर उपचुनाव में झोंकी पूरी ताकत, आज नल्ला सोपारा में उद्धव ठाकरे भी करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र में उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव को लेकर शिवसेना बीजेपी की तल्खी बढ़ी, बीजेपी ने धोखा देने का आरोप लगाया, शिवसेना का पलटवार। देश के हालात पर चिट्ठी लिखने वाले आर्च बिशप अनिल कटू की सफाई, कहा किसी दल के लिए नहीं देश के फायदे के लिए लिखी चिट्ठी। आर्च बिशप ने कहा देश में हालात अच्छे हों इसके लिए प्रार्थना और उपवास के लिए अपने लोगों को चिट्ठी लिखी। युवराज सिंह की चेतावनी, कहा क्रिया की हर होती है प्रतिक्रिया, आर्क बिशप ने चिट्ठी लिखकर कहा देश के लिए प्रार्थना करो लोकतंत्र खतरे में है। लेटर लिखने वाले आर्क बिशप के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी, कहा बिशप ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। कोलकाता के अमेरिकन सेंटर के सामने अल्पसंख्यक समुदाय का प्रदर्शन, बीजेपी और मोदी विरोधी नारे लगाए। राजस्थान राजनाथ सिंह ने आशंकाओं को किया खारिज, कहा भारत में धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले भारत के डिप्टी NSA राजेंद्र खन्ना, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने चीन गए हैं। मोदी सरकार के 4 साल पर मेगा जश्न की तैयारी, 26 मई से 11 जून तक देश भर में कार्यक्रम करेगी बीजेपी। 26 मई को दिल्ली में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जश्न की शुरुआत, सरकार की चौथी वर्षगांठ पर ओडिशा में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। आज सुबह 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की होगी अहम बैठक, पेट्रोल डीजल के दामों पर हो सकती है चर्चा। पेट्रोल के दाम में आज भी 25 पैसे की बढ़ोतरी, मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 84.95 रुपए। देश भर में पेट्रोल के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन, कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। आंध्र प्रदेश में महंगे पेट्रोल के खिलाफ TDP कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, स्कूटर में आग लगाकर विरोध किया। गुवाहाटी में भी महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। IOCL चेयरमैन ने पेट्रोलियम पदार्थों को GST के अंदर लाने की मांग की, कहा बढ़ती कीमतों को लेकर फिलहाल सरकार से कोई निर्देश नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा बढ़ते दामों पर सरकार गंभीर, 2 से 4 दिन में निकलेगा समाधान। कांग्रेस ने पेट्रोल के बढ़ते दाम पर बीजेपी को घेरा, पवन खेड़ा ने बीजेपी शासित राज्यों में वैट घटाने की मांग की।
यूपी के 3 बीजेपी विधायकों को व्हाट्सएप के जरिए मिली धमकी, खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन कहने वाले ने मांगी है 10-10 लाख रुपए। बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह, शशांक त्रिवेदी और डॉक्टर अनीता लोधी को धमकी मामले में पुलिस के साथ एसआईटी भी कर रही जांच, जल्द मामला सुलझाने का दावा। फिरोजाबाद कोर्ट ने एसपी विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे को भेजा जेल, बीजेपी नेता पर हत्या करवाने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। इलाहाबाद में विधायक के भतीजे की गाड़ी उठाने वाला एक सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, बैक करते वक्त गाड़ी की बाइक से हुई थी टक्कर। तमिलनाडु के तूतीकोरन में स्टरलाइट प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा, पुलिस के साथ हिंसक झड़प, 11 लोगों की मौत। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख और घायलों के लिए 3 लाख मुआवजे का किया ऐलान, स्टरलाइट प्लांट को बंद करने की मांग पर अड़े लोग। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में हिंसा की कड़ी निंदा की, राज्य सरकार पर प्रायोजित आतंकवाद बताया। स्टालिन ने तूतीकोरन की घटना को पुलिस की बर्बरता बताया, आज तूतीकोरन भी जाएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर में करोड़ों के घोटाले पर घमासान, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय के बेटे का निधन, 21 साल के वैष्णव की हार्ट अटैक से गई जान। केरल में निपा वायरस के 2 और मामले सामने आए, अब तक 10 लोगों की मौत। निपा वायरस को लेकर गोवा में दिखी दहशत, राज्य सरकार ने कहा पैनिक ना हो लोग, प्रदेश में नहीं सामने आया है कोई मामला। कालीकट अस्पताल की नर्स भी निपा वायरस की हुई शिकार, तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती हुई। पटना में लालू यादव के घर पहुंची सीबीआई टीम, नोटबंदी के दौरान आवामी कोऑपरेटिव बैंक में जमा किए रुपयों की राबड़ी देवी से हुई पूछताछ। आरजेडी विधायक भोला यादव के मुताबिक राबड़ी से पूछे गए केवल 2 सवाल, आवामी बैंक को सीबीआई ने किया है सील। इलाज के लिए पटना से मुंबई पहुंचे लालू यादव, बेटे तेज प्रताप, बहू ऐश्वर्या और बेटी मीसा भी है साथ। यूपी में 2 शादी करने वाले नहीं बन पाएंगे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, योगी कैबिनेट का फैसला। योगी कैबिनेट ने मदरसा बोर्ड में एनसीईआरटी की किताबों को दी मंजूरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में होंगी किताबें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस्लामिक टेररिज्म कोर्स के प्रस्ताव पर विवाद, जमायत उलेमाए हिंद ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। दिल्ली के मुख्य सचिव मारपीट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट का पुलिस को नोटिस, केजरीवाल ने पुलिस पूछताछ के वीडियो की कॉपी मांगी। गुजरात के राजकोट में दलित की पीट पीट कर हत्या के मामले में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, गुजरात सरकार को नोटिस भेजा। दिल्ली में आरोपी को बिना कपड़ों के थाने ले जाने पर एनएचआरसी सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। यूपी के मुरादाबाद में महिला पुलिसकर्मी भी करेंगी बाइक से पेट्रोलिंग, 27 शक्ति लेपर्ड मोबाइल बाइक को दिखाई गई हरी झंडी। हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल पंवार की गुरमीत राम रहीम से मिलने पर उठे सवाल, मंत्री ने अपना रूटीन जेल दौरा बताया। उड़ान में देरी पर विमान कंपनियों पर सरकार सख्त, फ्लाइट में देरी होने पर यात्रियों को देना होगा मुआवजा, उड़ान रद्द होने पर पूरा पैसा होगा रिफंड। नागपुर और जबलपुर आरपीएफ ने रेल टिकट के फर्जीवाड़े का किया पर्दाफाश, जबलपुर से एजेंट को हिरासत में लिया। करीब 3 लाख रुपए की 150 रेलवे टिकट बरामद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था जाल। यूपी के बलरामपुर में घूस लेते 2 होमगार्ड्स कैमरे में कैद, एसडीएम के नाम पर अवैध खनन की ट्रॉलियों से मांग रहे थे रिश्वत। घूस लेने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्त, डीएम ने एसडीएम को दी है सौंपी जांच। गुजरात के गिर में फिर हुई नोटों की बरसात, गुजरात करणी सेना के कार्यक्रम में गायक पर लुटाए गए पैसे। पैसे लुटाने वालों में शिवा सोलंकी भी दिखा, शिवा पर आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा की हत्या का आरोप। गुजरात के नवसारी में भजन संध्या के दौरान फिर नोटों की बारिश, भजन में लाखों के नोट उड़ाए गए। एमपी के राजगढ़ में गर्मी से एक किसान की मौत पर हंगामा, अपने भाई का खाना लेकर आया था, मृतक का भाई मसूर तलवाने के लिए 3 दिन से मंडी में था। कश्मीर में सुंदरबानी के जंगलों में भी लगी आग, 3 अलग अलग जगहों पर लगी हुई है आग। उत्तराखंड के पौड़ी में जंगलों की आग ने लिया विकराल रूप, आग बुझाने के लिए मौजूद संसाधन ना काफी। शिमला के जंगलों में भी आग भड़की, आग बुझाने की कोशिशें जारी। शिमला दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने अपने पोते और पोती के लिए खरीदी किताब, शॉप में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। गुजरात के नवसारी में लोगों पर हमला करने वाला लंगूर पकड़ा गया, 19 लोगों पर हमला कर चुका था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत, सीएम बिप्लब देव ने जल्द राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने का ऐलान किया। हिमाचल के किन्नौर में हुई सतलुज आराधना, लोगों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बताने के लिए वाराणसी जैसी गंगा आरती। मुंबई में देर रात रफ्तार का कहर, साइन फ्लाईओवर के पास जेसीबी से टक्कर में बाइक सवार की मौत। पोल से टक्कर के बाद ट्रक क्षतिग्रस्त, ड्राइवर क्लीनर को मामूली चोटें भी आई। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट, हथियारबंद बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर 8 लाख रुपए लूटे। लूट के बाद भागते वक्त बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद, सुपारी मिलने की बात कहकर निकाला पिस्टल। मुंबई के गोवंडी इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, 1 की मौत, 1 घायल। दिल्ली के जामिया नगर में बुजुर्ग माँ बाप की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार, पैसों के लिए 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने दोस्तों को दी 2.5 लाख की सुपारी, 27 अप्रैल को घर के कमरे में मिला था दोनों का शव। दिल्ली में शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर बाल बाल बचा एक युवक, ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन से सटा, डीएमआरसी ने लगाया जुर्माना।
अलीगढ़ में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा हत्या के मामलों में थी तलाश। ग्रेटर नोएडा की दादरी में ऑटो लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। मेरठ में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, कमरे से महिला और छत से युवक का शव मिला। 3 बच्चों की मां का युवक से प्रेम प्रसंग था, सुसाइड की वजह साफ नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में 5 दिन पहले हुए ग्राम प्रधान मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में दहेज को लेकर पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान महिला की मौत। सास और ससुर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप, शादी के बाद से ही दहेज को लेकर करते थे प्रताड़ित। उत्तराखंड के मसूरी में एक महिला ने जमकर किया हंगामा, मॉल रोड पर गाड़ी ले जाने से रोकने पर पुलिस वालों के साथ की हाथापाई। महिला के साथ उसकी बेटी ने भी पुलिस के साथ की बदतमीजी, पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। पटना में चेकिंग के दौरान छात्रा के साथ बदसलूकी पर भड़के लोग, ड्राइवर पर लड़की का जबरन हाथ पकड़ने का आरोप। पटना में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 18 बाइक के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट, सिगरेट पीने से रोकने पर भड़के बाइक सवार। लाठी डंडे से मारपीट में पेट्रोल कर्मचारियों के हाथ टूटे, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के कासगंज में प्रधान और उसके साथियों की दबंगई, जेल के सिपाही के साथ जमकर मारपीट। प्रधान के गुर्गों के पथराव में 1 सिपाही घायल, पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के औरैया में भीषण आग, आधा दर्जन घर जलकर खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। 12 जून को किम जोंग ट्रंप मुलाकात में हो सकती है देरी, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप। ट्रंप का चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पर निशाना, कहा जिनपिंग से मुलाकात के बाद किम जोंग का रवैया बदला। वाशिंगटन में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से मिले ट्रंप, किम जोंग ने ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम रद्द करने की धमकी दी है। नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट को अब तक नष्ट नहीं किया, कवरेज के लिए पहुंचे विदेशी पत्रकार बुलावे का कर रहे इंतजार। चीन में लोगों की मुस्तैदी से बची एक लड़के की जान, 6 मंजिल से गिरे बच्चे को बचाया। 6 मंजिल से 4 मंजिल पर 10 सेकंड तक लटका रहा लड़का, देखते ही लोगों ने बेडशीट से रेस्क्यू किया, सीसीटीवी में कैद पूरी तस्वीर। अफगानिस्तान के कांधार में जबरदस्त ब्लास्ट, हमले में 4 जवानों समेत 16 लोगों की मौत, 38 घायल। सीरिया की राजधानी दमिश्क के आतंकी मुक्त होने के बाद जश्न, सीरियाई सेना के जवानों ने हवा में हाथ लहराते हुए की नारेबाजी। इंडोनेशिया के जावा में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने का अलर्ट जारी, 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया। भीषण गर्मी और लू की चपेट में पाकिस्तान अकेले कराची में, 3 दिनों में 65 लोगों की मौत। ब्रेक के बाद सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है, अब देखते हैं खेल बाजार और एंटरटेनमेंट की खबरें। रिकॉर्ड 7वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची चेन्नई, हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराया। चेन्नई की ओर से डुप्लेसिस ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए, हैदराबाद ने 140 रनों का दिया था लक्ष्य। जीत के बाद धोनी ने की डुप्लेसिस की तारीफ का, मुश्किल पिच पर खेली बेहतरीन पारी। विलियमसन ने हार के लिए बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार, कहा 20 रन अधिक होते तो नतीजा कुछ और होता। आईपीएल के एलिमिनेटर में आज कोलकाता की भिड़ंत राजस्थान से, जीतने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर में हैदराबाद से भिड़ेगी। महिला टी20 प्रदर्शनी मैच में सुपरनोवाज ने ट्रेल ब्लेजर्स को रोमांचक मुकाबले में हराया, आखिरी गेंद में मिली जीत। साइना नेहवाल ने पूरा किया खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का फिटनेस चैलेंज, राठौर ने विराट, साइना और ऋतिक को दिया था चैलेंज। एसबीआई को आखिरी तिमाही में बड़ा नुकसान, 7,718 करोड़ का घाटा। ओशन स्टील और टाटा डील पर रोक से एनसीएलएटी का इनकार, अधिग्रहण को लेकर हफ्ते भर में मांगा जवाब। जेट एयरवेज का ऑफर 967 रुपए में, हवाई उड़ान का मजा मिल पाएगा। मेक इन इंडिया पर सरकार हुई सख्त, पीपीपी की अनदेखी की वजह से 11,000 करोड़ से ज्यादा के टेंडर रद्द। विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुल्लू के लिए आईफा में मिले सबसे अधिक 7 नॉमिनेशन, 22 से 24 जून तक बैंकॉक में होगा आईफा का आयोजन। फिल्म सूरमा का नया पोस्टर रिलीज, पोस्टर में दिलजीत के दिखे लुक, 13 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण के प्रमोशन में जुटे जॉन इब्राहिम, दिल्ली में किया प्रमोशन, फिल्म 25 मई को होगी रिलीज। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के कैंप में गई प्रियंका चोपड़ा, लोगों से मुलाकात के बाद भावुक पोस्ट शेयर किया। दीपिका ने रणवीर सिंह की तारीफ की, कहा एनर्जी से भरपूर होने के साथ ही रणवीर अच्छे इंसान और बड़े दिल वाले हैं। बेटी श्वेता के साथ एड की शूटिंग के बाद बोले अमिताभ, श्वेता को परिवार की सबसे बेहतरीन अदाकारा बताया। प्रभास की फिल्म साहो के एक्शन सीन की शूटिंग हुई, एक्शन सीक्वेंस के लिए 5 ट्रक और 37 कारें हुई तबाह। किर्गिस्तान से सामने आई संजय दत्त की तस्वीर, फिल्म तोरबाज की कर रहे हैं शूटिंग। सलमान की फिल्म रेस 3 के ट्रेलर ने मचाया धमाल, अब तक 2,68,00,000 से ज्यादा बार देखा गया। मांगा जवाब। यूपी के मुरादाबाद में महिला पुलिसकर्मी भी करेंगी बाइक से पेट्रोलिंग, 27 शक्ति लेपर्ड मोबाइल बाइक को दिखाई गई हरी झंडी। हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल पंवार की गुरमीत राम रहीम से मिलने पर उठे सवाल, मंत्री ने अपना रूटीन जेल दौरा बताया। उड़ान में देरी पर विमान कंपनियों पर सरकार सख्त, फ्लाइट में देरी होने पर यात्रियों को देना होगा मुआवजा, उड़ान रद्द होने पर पूरा पैसा होगा रिफंड।
नागपुर और जबलपुर आरपीएफ ने रेल टिकट के फर्जीवाड़े का किया पर्दाफाश, जबलपुर से एजेंट को हिरासत में लिया। करीब 3 लाख रुपए की 150 रेलवे टिकट बरामद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था जाल। यूपी के बलरामपुर में घूस लेते 2 होमगार्ड्स कैमरे में कैद, एसडीएम के नाम पर अवैध खनन की ट्रॉलियों से मांग रहे थे रिश्वत। घूस लेने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्त, डीएम ने एसडीएम को दी है सौंपी जांच। गुजरात के गिर में फिर हुई नोटों की बरसात, गुजरात करणी सेना के कार्यक्रम में गायक पर लुटाए गए पैसे। पैसे लुटाने वालों में शिवा सोलंकी भी दिखा, शिवा पर आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा की हत्या का आरोप। गुजरात के नौसारी में भजन संध्या के दौरान फिर नोटों की बारिश, भजन में लाखों के नोट उड़ाए गए। एमपी के राजगढ़ में गर्मी से एक किसान की मौत पर हंगामा, अपने भाई का खाना लेकर आया था, मृतक का भाई मसूर तलवाने के लिए 3 दिन से मंडी में था। कश्मीर में सुंदरबानी के जंगलों में भी लगी आग, 3 अलग-अलग जगहों पर लगी हुई है आग। उत्तराखंड के पौड़ी में जंगलों की आग ने लिया विकराल रूप, आग बुझाने के लिए मौजूद संसाधन ना काफी। शिमला के जंगलों में भी आग भड़की, आग बुझाने की कोशिशें जारी। शिमला दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने अपने पोते और पोती के लिए खरीदी किताब, शॉप में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। गुजरात के नवसारी में लोगों पर हमला करने वाला लंगूर पकड़ा गया, 19 लोगों पर हमला कर चुका था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत, सीएम बिप्लब देव ने जल्द राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने का ऐलान किया। हिमाचल के किन्नौर में हुई सतलुज आराधना, लोगों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बताने के लिए वाराणसी जैसी गंगा आरती। मुंबई में देर रात रफ्तार का कहर, साइन फ्लाईओवर के पास जेसीबी से टक्कर में बाइक सवार की मौत। पोल से टक्कर के बाद ट्रक क्षतिग्रस्त, ड्राइवर क्लीनर को मामूली चोटें भी आई। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट, हथियारबंद बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर 8 लाख रुपए लूटे। लूट के बाद भागते वक्त बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद, सुपारी मिलने की बात कहकर निकाला पिस्टल। मुंबई के गोवंडी इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, 1 की मौत, 1 घायल। दिल्ली के जामिया नगर में बुजुर्ग माँ बाप की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार, पैसों के लिए 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने दोस्तों को दी 2.5 लाख की सुपारी, 27 अप्रैल को घर के कमरे में मिला था दोनों का शव। दिल्ली में शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर बाल बाल बचा एक युवक, ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन से सटा, डीएमआरसी ने लगाया जुर्माना। अलीगढ़ में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा हत्या के मामलों में थी तलाश। ग्रेटर नोएडा की दादरी में ऑटो लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 2 फरार। मेरठ में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, कमरे से महिला और छत से युवक का शव मिला। 3 बच्चों की माँ का युवक से प्रेम प्रसंग था, सुसाइड की वजह साफ नहीं। ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन से सटा, डीएमआरसी ने लगाया जुर्माना। अलीगढ़ में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा हत्या के मामलों में थी तलाश। ग्रेटर नोएडा की दादरी में ऑटो लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 2 फरार। मेरठ में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, कमरे से महिला और छत से युवक का शव मिला। 3 बच्चों की माँ का युवक से प्रेम प्रसंग था, सुसाइड की वजह साफ नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में 5 दिन पहले हुए ग्राम प्रधान मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में दहेज को लेकर पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान महिला की मौत। सास और ससुर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप, शादी के बाद से ही दहेज को लेकर करते थे प्रताड़ित। उत्तराखंड के मसूरी में एक महिला ने जमकर किया हंगामा, मॉल रोड पर गाड़ी ले जाने से रोकने पर पुलिस वालों के साथ की हाथापाई। महिला के साथ उसकी बेटी ने भी पुलिस के साथ की बदतमीजी, पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। पटना में चेकिंग के दौरान छात्रा के साथ बदसलूकी पर भड़के लोग, ड्राइवर पर लड़की का जबरन हाथ पकड़ने का आरोप। पटना में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 18 बाइक के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट, सिगरेट पीने से रोकने पर भड़के बाइक सवार। लाठी डंडे से मारपीट में पेट्रोल कर्मचारियों के हाथ टूटे, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के कासगंज में प्रधान और उसके साथियों की दबंगई, जेल के सिपाही के साथ जमकर मारपीट। प्रधान के गुर्गों के पथराव में 1 सिपाही घायल, पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के औरैया में भीषण आग, आधा दर्जन घर जलकर खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। 12 जून को किम जोंग ट्रंप मुलाकात में हो सकती है देरी, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप। ट्रंप का चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पर निशाना, कहा जिनपिंग से मुलाकात के बाद किम जोंग का रवैया बदला। वाशिंगटन में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से मिले ट्रंप, किम जोंग ने ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम रद्द करने की धमकी दी है। नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट को अब तक नष्ट नहीं किया, कवरेज के लिए पहुंचे विदेशी पत्रकार बुलावे का कर रहे इंतजार। चीन में लोगों की मुस्तैदी से बची एक लड़के की जान, 6 मंजिल से गिरे बच्चे को बचाया। 6 मंजिल से 4 मंजिल पर 10 सेकंड तक लटका रहा लड़का, देखते ही लोगों ने बेडशीट से रेस्क्यू किया, सीसीटीवी में कैद पूरी तस्वीर। अफगानिस्तान के कांधार में जबरदस्त ब्लास्ट, हमले में 4 जवानों समेत 16 लोगों की मौत, 38 घायल। सीरिया की राजधानी दमिश्क के आतंकी मुक्त होने के बाद जश्न, सीरियाई सेना के जवानों ने हवा में हाथ लहराते हुए की नारेबाजी। इंडोनेशिया के जावा में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने का अलर्ट जारी, 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया।
भीषण गर्मी और लू की चपेट में पाकिस्तान, अकेले कराची में 3 दिनों में 65 लोगों की मौत। ब्रेक के बाद सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है, अब देखते हैं खेल बाजार और एंटरटेनमेंट की खबरें। रिकॉर्ड 7वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची चेन्नई, हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराया। चेन्नई की ओर से डुप्लेसिस ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए, हैदराबाद ने 140 रनों का दिया था लक्ष्य। जीत के बाद धोनी ने की डुप्लेसिस की तारीफ का, मुश्किल पिच पर खेली बेहतरीन पारी। विलियमसन ने हार के लिए बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार, कहा 20 रन अधिक होते तो नतीजा कुछ और होता। आईपीएल के एलिमिनेटर में आज कोलकाता की भिड़ंत राजस्थान से, जीतने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर में हैदराबाद से भिड़ेगी। महिला T20 प्रदर्शनी मैच में हिमाचल के किन्नौर में हुई सतलुज आराधना, लोगों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बताने के लिए वाराणसी जैसी गंगा आरती। मुंबई में देर रात रफ्तार का कहर, साइन फ्लाईओवर के पास जेसीबी से टक्कर में बाइक सवार की मौत। पोल से टक्कर के बाद ट्रक क्षतिग्रस्त, ड्राइवर क्लीनर को मामूली चोटें भी आई। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट, हथियारबंद बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर 8 लाख रुपए लूटे। लूट के बाद भागते वक्त बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद, सुपारी मिलने की बात कहकर निकाला पिस्टल। मुंबई के गोवंडी इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, 1 की मौत 1 घायल। दिल्ली के जामिया नगर में बुजुर्ग माँ बाप की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार, पैसों के लिए 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने दोस्तों को दी 2.5 लाख की सुपारी, 27 अप्रैल को घर के कमरे में मिला था दोनों का शव। दिल्ली में शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर बाल बाल बचा एक युवक, ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन से सटा, DMRC ने लगाया जुर्माना। अलीगढ़ में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा हत्या के मामलों में थी तलाश। ग्रेटर नोएडा की दादरी में ऑटो लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। मेरठ में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, कमरे से महिला और छत से युवक का शव मिला। 3 बच्चों की माँ का युवक से प्रेम प्रसंग था, सुसाइड की वजह साफ नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में 5 दिन पहले हुए ग्राम प्रधान मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में दहेज को लेकर पति ने पत्नी को जिंदा चलाया, इलाज के दौरान महिला की मौत। सास और ससुर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप, शादी के बाद से ही दहेज को लेकर करते थे प्रताड़ित। उत्तराखंड के मसूरी में एक महिला ने जमकर किया हंगामा, मॉल रोड पर गाड़ी ले जाने से रोकने पर पुलिस वालों के साथ की हाथापाई। महिला के साथ उसकी बेटी ने भी पुलिस के साथ की बदतमीजी, पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। पटना में चेकिंग के दौरान छात्रा के साथ बदसलूकी पर भड़के लोग, ड्राइवर पर लड़की का जबरन हाथ पकड़ने का आरोप। पटना में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 18 बाइक के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट, सिगरेट पीने से रोकने पर भड़के बाइक सवार। लाठी डंडे से मारपीट में पेट्रोल कर्मचारियों के हाथ टूटे, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के कासगंज में प्रधान और उसके साथियों की दबंगई, जेल के सिपाही के साथ जमकर मारपीट। प्रधान के गुर्गों के पथराव में 1 सिपाही घायल, पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के औरैया में भीषण आग, आधा दर्जन घर जलकर खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। 12 जून को किम जोंग ट्रंप मुलाकात में हो सकती है देरी, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप। ट्रंप का चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पर निशाना, कहा जिनपिंग से मुलाकात के बाद किम जोंग का रवैया बदला। वाशिंगटन में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से मिले ट्रंप, किम जोंग ने ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम रद्द करने की धमकी दी है। नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट को अब तक नष्ट नहीं किया, कवरेज के लिए पहुंचे विदेशी पत्रकार बुलावे का कर रहे इंतजार। चीन में लोगों की मुस्तैदी से बची एक लड़के की जान, 6वीं मंजिल से गिरे बच्चे को बचाया। 6वीं मंजिल से 4वीं मंजिल पर 10 सेकंड तक लटका रहा लड़का, देखते ही लोगों ने बेडशीट से रेस्क्यू किया, सीसीटीवी में कैद पूरी तस्वीर। अफगानिस्तान के कांधार में जबरदस्त ब्लास्ट, हमले में 4 जवानों समेत 16 लोगों की मौत, 38 घायल। सीरिया की राजधानी दमिश्क के आतंकी मुक्त होने के बाद जश्न, सीरियाई सेना के जवानों ने सी वेणुगोपाल ने पुष्टि की। फॉर्मूले के तहत कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर होंगे कांग्रेस के KR रमेश कुमार, डिप्टी स्पीकर का पद JDS को मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह के बहाने विपक्ष करेगा शक्ति प्रदर्शन, राहुल, ममता, अखिलेश और मायावती समेत गैर BJP दलों के CM भी पहुंचेंगे। कुमार स्वामी ने कहा BJP छोड़ हर पार्टी के नेताओं को शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया, देश भर से आएंगे लोग। HD कुमार स्वामी के घर के बाहर सुबह से ही उमड़े समर्थक, गाजे बाजे के साथ दिखा रंगारंग नजारा। कर्नाटक के प्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ पहुंचे कुमार स्वामी, मंजुनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन। कुमारस्वामी को बधाई देने बेंगलुरु पहुंचे तेलंगाना के CM KCR, हैदराबाद में अहम मीटिंग की वजह से शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाएंगे। DMK नेता स्टालिन भी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में नहीं हो पाएंगे शामिल, तूतीकोरण में पुलिस झड़प में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जाएंगे। अशोक चव्हाण ने कर्नाटक में एक मंच पर विपक्ष के एकजुट होने को सही ठहराया, कहा 2019 का चुनाव BJP वर्सेस बाकी पार्टी होगा। BJP आज कर्नाटक में मनाएगी काला दिवस, कांग्रेस JDS गठबंधन को जनादेश के खिलाफ बताया, गांधी मूर्ति के आगे प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे येदियुरप्पा। BJP अध्यक्ष अमित शाह ने कहा विपक्ष के एकजुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2019 में मिलेगी ज्यादा बड़ी जीत। कर्नाटक के विजयपुर में VVPAT मशीन मिलने पर येदियुरप्पा ने मुख्य चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप।
बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फिर की फायरिंग। सांबा के रामगढ़ और जम्मू के अरनिया और अरसपुरा सेक्टर में रात से रुक रुक कर फायरिंग। हीरानगर में भी एक की मौत। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 और नागरिक जख्मी। कल से अब तक 16 नागरिक जख्मी, 3 की हालत गंभीर। भारत ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान के वॉच टावर को उड़ाया। खास तरह की थर्मल ड्रेस पहनकर बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी जवान। HHTI कैमरे की पकड़ से बचने की कोशिश। राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन में किया बड़ा बदलाव। रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। जितेंद्र वाघेला और विश्व रंजन गुजरात के सचिव बने। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार कमेटी के होंगे हेड। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने स्थानीय चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को धमकी मिलने का आरोप लगाया। दूसरे राज्य में भाग रहे हैं कार्यकर्ता। बंगाल हिंसा पर NHRC के सवाल उठाने पर बोले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, 1 घंटे तक हाथ पर हाथ धरे खड़ी थी पुलिस। ममता पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप। कैराना उपचुनाव का प्रचार करने पहुंचे योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा मुजफ्फरनगर दंगों के खून से रंगे हैं अखिलेश के हाथ। कैराना लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। RLD ने जिन्ना नहीं गन्ना का दिया नारा। आज महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे CM योगी। विरार में रैली को संबोधित करेंगे। शिवसेना ने भी पालघर उपचुनाव में झोंकी पूरी ताकत। आज नल्ला सोपारा में उद्धव ठाकरे भी करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र में उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव को लेकर शिवसेना बीजेपी की तलखी बढ़ी। बीजेपी ने धोखा देने का आरोप लगाया। शिवसेना का पलटवार। देश के हालात पर चिट्ठी लिखने वाले आर्चबिशप अनिल कटू की सफाई। कहा किसी दल के लिए नहीं, देश के फायदे के लिए लिखी चिट्ठी। आग बिशप ने कहा देश में हालात अच्छे हों इसके लिए प्रार्थना और उपवास के लिए अपने लोगों को चिट्ठी लिखी। युवराज सिंह की चेतावनी। कहा क्रिया की हर होती है प्रतिक्रिया। आर्चबिशप ने चिट्ठी लिखकर कहा देश के लिए प्रार्थना करो, लोकतंत्र खतरे में है।